हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। अच्छा, बाबर आजम को जब ये लोग ओपनिंग से हटा दिए और ये कहते हुए हटाए कि हमको ऊपर का जो है ना वो स्ट्राइक रेट मजबूत करनी है, कि बाबर की जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा कम सा है, वो बड़ा कम है, आप कुछ बेहतर करें, मतलब एक ऐसे बल्लेबाज को लाए जो बेहतरीन स्ट्राइक रेट से हो। तो बड़े लोग ये बोल रहे थे कि यार फखर जमान को लेके आ जाओ, आप इसको लेके आ जाओ। मैं तो अभी भी बोलता हूं, अगर करना है तो सैम अय्यूब और फखर जमान से ही करा दो, फिर नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान को डाल दो, नंबर 3 पे बाबर आजम को डाल दो। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कि स्टैट्स में बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसमें मैं फौजी फखर जमान की कोई उनको हेट नहीं दे रहा हूं, बट एक मैं बता रहा हूं कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि बाबर से ज्यादा बढ़िया पावर प्ले रिकॉर्ड जो है फखर जमान का है, ये है फलाना ढिमका ना, बस स्टैट्स डाल रहा हूं, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। 22 इनिंग में बाबर आजम ने, क्योंकि फखर जमान ने भी 22 इनिंग ली है तो इनको मैं बताता हूं, 22 इनिंग में बाबर आजम ने 425 रन बनाए हैं 317 गेंदों पे, 7 मरतबा पावर प्ले के भीतर में बाबर आजम जो है T20 में आउट हुए हैं। 61 का एवरेज है बाबर आजम का, 61 का एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है। मैं अब स्ट्राइक रेट पे आऊंगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट पे ना बहुत ज्यादा बात होती है, 134 का स्ट्राइक रेट और पावर प्ले के भीतर में बाबर का जो हाईएस्ट स्कोर है वह है 45, यानी 6 ओवर से पहले जो है बाबर आजम ने हाईएस्ट एक दफा जो है 6 ओवर के भीतर में उन्होंने 45 रन अकेले ठोक डाले थे, 62 चौके और 2 छक्के लगाए, डॉट परसेंटेज जो है वो 35 का। अब मैं आपको बताता हूं फखर जमान का, फखर जमान ने 22 मुकाबले खेले, 22 इनिंग्स जो ओपनिंग की मैं बता रहा हूं, 301 रन बनाए, 248 गेंदों का सामना किया, 16 मरतबा आउट हुए हैं 22 इनिंग में से पावर प्ले के भीतर में, 16 मरतबा, 18 का एवरेज है और 121 का स्ट्राइक रेट है, 39 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है पावर प्ले के भीतर, 37 चौका 7 छक्का, कहीं से भी बाबर का कंपैरिजन नहीं है इसमें, बाबर से कोई कंपैरिजन नहीं है लोगों का। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बाबर ना बाबर का स्ट्राइक रेट रिजवान फखर से दोनों से ज्यादा बेस्ट है, T20 में जाके चेक कर लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, बस कई लोग ये बताते हैं कि नहीं ये डिजर्व करता है, इसको यहां पे होना चाहिए, बाबर तो T20 का प्लेयर नहीं है। तो आई एम सॉरी टू से, मेरे पास स्टैट्स है और स्टैट्स के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि पावर प्ले में बाबर का जो स्ट्राइक रेट है वो 134 का है और फखर जमान का 121 का है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बताया जाता है कि फखर जमान बाबर आजम से बहुत बड़ा मैच विनर प्लेयर है, तो मैच विनर प्लेयर का भाई ये आंकड़े है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई एजेंडा नहीं, बस मैं प्रूव करने के लिए जो सोशल मीडिया पे चलता रहता है ना, उसी का मैंने सहारा लिया है, उसी को जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको बुरा लगे तो बहुत ज्यादा माफी आप सभी को, लेकिन हकीकत यह है कि जो चीज सोशल मीडिया पे बाबर के अगेंस्ट T20 में फैलाया जा रहा है, वो बस इसी वजह से, मैं बार बार बोलता हूं, 100 बार अगर झूठ बोलो ना तो एक दिन आदमी को लगने लगता है कि नहीं ये बात सच है। और बाबर आजम को लेके यही एजेंडा चल रहा है कि ही इज नॉट अ T20 प्लेयर, जबकि पाकिस्तान के लिए और पूरे एशिया में सबसे फास्टेस्ट 9000 रन 8000 रन सबसे फास्टेस्ट उन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा उन्होंने सेंचुरी बनाई है T20 में, बावजूद इसके उनको T20 में कंसिडर नहीं किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। धन्यवाद।